हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर बन रहा है चिकन और साथ में जीरा राइस, और इधर हो रहा है हमारा आलू फ्राई चिकन के लिए। बने रहिए, आगे आपको दिखाते हैं सब खाना खा खू के दिखाएंगे। आज अभी प्याज सारे फ्राई कर लेते हैं। धनिया 2 चम्मच, और इसके बाद जीरा पाउडर है ये 1 चम्मच, और इसके बाद हाँ नमक, बस थोड़ा सा थोड़ा सा पहले से हम गरम मसाले दे देंगे इसमें, अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये अभी अदरक लहसुन और थोड़ी सी प्याज का पेस्ट पूरा डालेंगे इसमें। इधर हमारा मसाला पक रहा है, और इधर देखिए ये चावल जीरा राइस के लिए भिगो के रख दिया है इसको, 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है इसको। मसाला अच्छे से बन रहा है। अभी और 5 मिनट रखना है इसको, रहेगा हमारा चिकन। इसके साथ हम आलू भी डाल देंगे इसमें। अच्छा, आलू बाद में डालेंगे, अभी नहीं। पे हमने जीरा राइस के लिए पानी गरम कर लिया है, और थोड़ा करना है इसको, उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। चलो, उधर पानी हो गया तैयार, अभी चावल डाल देते हैं। चावल, अरे पानी ज्यादा हो गया इसमें, कम करने के कैसे कैसे कम करना है इसको, 300 आ जाएगा। फ्रेंड्स, चावल हमारा अच्छे से पक चुका है, अभी हम इस पानी को ड्रेन करेंगे, इसके बाद बनाएंगे जीरा राइस। सो फ्रेंड्स, जीरा राइस के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच जैसा ले ली है, और इसमें तेजपत्ता और जीरा रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम ऐसे चावल इसमें डाल देंगे, तो धीरे धीरे से ये फ्राई होता रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी गाजर और मटर हमने काटे दी, तो वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो जीरा राइस ये तैयार हो चुका है, और यहाँ पे हमने 2 रोटी ऐसी बना ली है, रोटी और राइस के साथ हम आज चिकन खाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कैसे, टेस्ट करके बताते हैं आपको।
बहुत टेस्टी बना। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।